जाते हैं। कासिम सुमरो साहब, ये बताएं मुझे कि देखिए, मैंने सरकारी नौकरी की है, सरकारी अस्पताल भी देखा है, बेसिक हेल्थ यूनिट भी देखा है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से उन सारे एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने। तो देखिए, जनरल परसेप्शन ये है कि सरकारी अस्पतालों में वो सहूलियात नहीं मिलती हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में होती है, लेकिन हर कोई ज़ाहिर है कि प्राइवेट क्लिनिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चूँकि हुकूमत सिंध के नुमाइंदे हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके प्लान्स हैं, क्या आप माँ और बच्चे की सेहत के लिए क्या आपने सोचा है और किस तरह उस पर अमल भी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात यह है कि सिंध एज ए प्रोविंस 63% आपकी पॉपुलेशन जो है वो या तो एरिड एरियाज़ हैं या सेमी एरिड एरियाज़ हैं, और उसमें आप प्लस एडिशन कर दें जो आपके स्लम्स हैं, जो पर्टिकुलरली आपके शहरों में रहें, जो शहरों के पसगिरदा या इवन शहरों के अंदर भी बहुत सारी, मिसाल कराची के अंदर आपके पास कोई 93 के करीब स्लम एरियाज रजिस्टर्ड हैं जो आपके उस रीजन में आते हैं। अब दीज आर द इशूज़ के जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड होना या डॉक्टर्स का वहाँ जाना या उस सहूलत का होना, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आता है वो ओवरऑल एज ए गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ नॉट ओनली द हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सच मेस। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने को जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बताए, या मैडम ने जिस तरह से बताया कि इस तरह से मॉर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो हमारे कितने हाई हैं, तो उसमें तीन चार चीज़ें हैं जो ज़्यादा, अब चूँकि मेरा ताल्लुक़ इंतहाई पसमानदा एरिया से है, थरपारकर यू प्रॉबली नो, और सबसे ज़्यादा जो है वो हम मीडिया में क्रिटिसिज्म उसी हमारे थरपारकर की आती है कि जी आज हर रोज़ फिगर बताया जाता है कि जी आज दो जी बच्चे, हाँ। आज चार बच्चे, आज छः बच्चे, आज आठ बच्चे। तो सस्टेनेबल लिविंग जो है वो किसी भी सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से कि जी नफसियाती मसाइल किस तरह से, उसकी सबसे बुनियादी वजह हमारी सस्टेनेबल लिविंग है। अब सस्टेनेबल लिविंग मिसाल जो पसमानदा जितने भी एरियाज़ हैं, अब मैं आपको फिगर वाइज दे सकता हूँ, थरपारकर पूरा डिस्ट्रिक्ट पसमानदा है, आपका उमरकोट का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 6 से 7 आधी पॉपुलेशन आपकी पसमानदा है, वो डेजर्ट पार्ट है। फिर इस तरह से आप सांगर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, उसका अछड़ोथर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट जो है वो फैसिलिटी वाइज, वहाँ रैश लोगों की है, वो सारी रेन प्रसिपिटेशन पे है कितनी होती है, उसी पे लिविंग है उनकी। फिर आप उससे आगे चले जाएँ नवाबशाह में, वो डेजर्ट का पार्ट आता है। फिर आप उससे आगे चले जाएँगे खैरपुर इज़ अनदर डेजर्ट पार्ट, नारा का पूरा बहुत बड़ा डेजर्ट है। फिर आप आगे जाएंगे सखर पनाकिल का बहुत बड़ा डेजर्ट है। फिर उससे आप आगे जाएंगे घोटकी का डेजर्ट है। फिर आप इसी तरह से लारकाना कंबर शदात कोट का जो माउंटेनस खीरथर की रेंज है, फिर आप पूरा आधा दादू पूरा खीरथर की रेंज है, फिर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका कोस्टल बेल्ट ऑफ दी होल सुजावल एंड थट्टा। सो दीज ऑल आर एरिड एरियाज हैं और सेमी एरिड हैं, लेकिन यहाँ तमाम एरियाज में सस्टेनेबल लिविंग नहीं है। सस्टेनेबल लिविंग से मुराद ये है कि लोगों के पास इकोनॉमिकल मींस जो हैं जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर हो, वो सहूलतें नहीं हैं। लोगों के मिसाल इन तमाम एरियाज़ की जो डिपेंडेंसी है वो बारिशों के ऊपर, बारिशें होती हैं तो लाइफ है, बारिशें नहीं हैं तो माइग्रेशन है, जब माइग्रेशन होती है तो इट ऑलवेज़ क्रिएट्स बैड हैबिट्स, वो अपने साथ बैड हैबिट्स लेके आते हैं। वो बैड हैबिट्स क्या लेके आते हैं कि पहले लोग इस तरह से होता था कि लोग अपना जो बारिशों में जितना होता था उसी पे ज़िंदगी गुजारते थे, अब वो बेच बचा के बहुत सारी और चीज़ें लेते हैं जो उनकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपको देता हूँ कि हमने एक मिट्टी में सर्वे किया कि देर आर मोर देन एक साल में 2 से 2.5 अरब रुपए उन चीज़ों पे खर्च होते हैं जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए हेल्थ। मिसाल के तौर पर आप सिगरेट पीते हैं, आप चाय पीते हैं, चीनी लेते हैं, और बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो जब हम छोटे होते थे तो हमारी ज़रूरत में वो चीज़ें नहीं थी। चीनी आपने कहा ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह से हम जितना हमारे यहाँ उस पर एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा मसला है। फिर हम थरपार करके इन तमाम रीजन्स पर जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा कि जी आप इनको गंदम दे दो कि इनकी मेल न्यूट्रिशन बेटर हो,
हमने पैसा दे दिया, बिस्प में भी आ गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपने बहुत सारा पैसा उनको दिया, हर ख़ानदान को हर महीने 3,000 रुपये मिलते हैं, अब एहसास प्रोग्राम उसका उसको भी यही सपोर्ट करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आता है कि इन तमाम एरियाज़ में पानी की सहूलत नहीं है। अब गवर्नमेंट का इंटेंट ये हुआ कि जी थरपारकर में आरओ प्लांट्स लगा दिए, फिर वाटर सप्लाई नेटवर्क लगा दिया, फिर अश्रोथर में भी ये है, फिर ये नारा कैनाल पर भी चला गया, फिर आपका ये खैरपुर की साइड पर भी इसी तरह से पानी की सहूलत दी। लेकिन जहाँ ये सहूलत नहीं है वहाँ पर मिसाल के तौर पर उसी खाने वो खाना जिसको आप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो खाना पकता उसी पानी से है, जो पानी ऑलरेडी आलूदा है, उसमें सलाइन बहुत है, वो ब्रैकिश वाटर है, हम और आप एक घूंट पी लें तो हमारे स्टमक डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन वो उनकी रूटीन लाइफ है। सॉरी, वो जो आरओ प्लांट्स लगाए उनका पानी नहीं यूज़ करते? आरओ प्लांट्स देखें, आरओ प्लांट्स लगे हैं मतलब सक्सेसफुल, कुछ एरियाज में जहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वहाँ सक्सेसफुल हैं, जहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है वहाँ सक्सेसफुल नहीं है, वह नहीं, वो दैट्स अ फैक्ट। वो उसको मैं यहाँ बैठ के ये कह लूँ कि जी वो ठीक चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे ठीक नहीं हैं, बहुत सारे हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जहाँ कम्युनिटी उसको पूरा स्पॉन्सर करती है, सपोर्ट करती है, वहाँ वो सारे सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। तो ये एक इशू है। अब हमने मिसाल सिंस लास्ट 2.5 ईयर्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं अपने थर से चूँकि शुरू हुआ था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसको हम क्लस्टरिंग करें, क्योंकि हमारे पास जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का निज़ाम था पिछले परवेज़ मुशर्रफ पीरियड में, तो उस वक्त ये हुआ कि हमने बहुत सारी जो हैं वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज पॉलिटिकली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। हर गांव में आप जाएंगे 2 कमरों का, 4 कमरों की, 6 कमरों की, 8 कमरों की डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं मोर और लेस। अब थरपारकर में 203 के करीब डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं। ओवरऑल सिंध में आप जाएंगे तो नंबर इन थाउजेंड्स है। अब 2-3 प्रॉब्लम्स वहाँ पर, नंबर एक के वहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये, थरपारकर से कुछ 1600 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो भर्ती होकर इधर आए। आप हाँ। यकीन करें कि उसमें से इस वक्त भी इतना अच्छा, हमने उन हार्ड एरियाज़ में आपको ये बताऊं कि अब मिसाल एक 17 इयर्स का डॉक्टर है, डॉक्टर साहबा ने भी सर्व किया है उसी डिपार्टमेंट, 17 ग्रेड का ऑफिसर, उसकी तनख्वाह अगर हम वैसे अगर 80,000-90,000 तनख्वाह है तो हम थरपारकर में उसकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये हम ज़्यादा देते हैं जस्ट टू गो देयर एंड सर्व देयर। बट सम हाउ द प्रॉब्लम इज़ कि डॉक्टर्स वहाँ नहीं जाते और वो तमाम डिस्पेंसरीज के ऊपर जो हैं वो उस तरह से फंक्शनल नहीं है जिस तरह होना चाहिए। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि डिस्पेंसरीज तो बना दी हैं बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो स्टाफ, देयर इज नो सर्विंग डॉक्टर देयर। मैं उसका हमने हल निकाला था, हमने हल उसका ये निकाला था कि उसको हमने क्लस्टर मॉडल किया। क्लस्टर मॉडल से मुराद यह थी कि हम 5-6 डिस्पेंसरी जिसकी एक्सेसिबिलिटी बुनियाद हो, एक्सेसिबिलिटी का बुनियाद ये था कि लोगों की टेंडेंसी होती है कि ये मिसाल थट्टा का जो अगर जो बंदा है उसको अगर हम कहें कि आप हैदराबाद चले जाओ तो वो उसकी वहाँ एक्सेसिबिलिटी या उसकी टेंडेंसी वहाँ जाने की नहीं है, ही विल प्रिफर टू कम टू कराची। तो उसकी हम उस एक्सेसिबिलिटी के मॉडल को मद्देनज़र रखते हमने 6 डिस्पेंसरीज, उस 6 डिस्पेंसरी को हमने इक्विप्ड किया विद सोलर पावर जनरेशन, हमने वहाँ पर एक स्मॉल आरओ प्लांट्स लगाए जहाँ वाटर सप्लाई नेटवर्क पहुँचा हुआ था, तो उनको हमने उस वाटर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। फिर हमने वहाँ पर कम्युनिटी मिडवाइव्स की ट्रेनिंग करवाई, फिर हमने वहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एक पूरा प्रोग्राम रखा हर डिस्पेंसरी मॉडल के, हर 6 डिस्पेंसरीज के ऊपर हमने एक डॉक्टर रखा है, उसको हमने एम्बुलेंस दी है ताकि वो उसको रेफर अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो। अल्लाह का शुक्र है, हमने अभी 10 डिस्पेंसरीज का एक पायलट किया था विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। अब वो इतना सक्सेसफुल हुआ है कि पिछले 18-19 माह में हमारे पास इस वक्त जो उन डिस्पेंसरीज में जितनी डिलीवरीज हुई हैं वो 6 पाउंड प्लस बच्चे हैं, और अच्छी बात है। एंटीनेटल केयर भी है, पोस्टनेटल केयर भी है और हम उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। लेडी डॉक्टर है वहाँ पे? अच्छा जी, लेडी डॉक्टर्स हैं वहाँ? यस, लेडी डॉक्टर्स हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिर हमने उसको आगे, अब उसको हम आगे कंसीव किया उसी पायलट को, हमने वी हैव कन्वर्टेड दिस विद दी 1,000 डेज प्लस प्रोग्राम। और 1,000 डेज प्लस प्रोग्राम जो है वो हमने उसको पार्टनरशिप लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर रहे एक्सेप्ट
कि जहाँ पर डिप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम थोड़ा रिनोवेट करके बेहतर करें, अब प्लस जो हमारी कम्युनिटी मिडवाइज जो होंगी, जो स्टेशन होंगी वहाँ पर, और हमने ये फोकस रखा है कि वो उन एरियाज से हों, उनको हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज भी करवा रहे हैं, और प्लस उनको हम गवर्नमेंट उनके अखराजात बर्दाश्त करके उनको हम ये कम्युनिटी मिडवाइफ का कोर्स भी करवा रहे हैं। दो बातें, फिर उसका हमने वहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी हम बनाएंगे, इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। और फिर उसका जो मकसद होगा वो ये, उसमें इंटरवेंशन हम 3-4 डिपार्टमेंट्स के साथ साथ कर रहे हैं। एक तो हेल्थ फैसिलिटी, मिसाल के तौर पर आपने उनको हेल्थ सर्विसेज देनी है, एंटी डेंटल केयर भी है, पर्सनल केयर भी, फिर आपकी इम्यूनाइजेशन जितनी भी है वो वहाँ पर, फिर आपकी फैमिली प्लानिंग वो भी उसी का हिस्सा होगी, और फिर आप, हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक डिपार्टमेंट है, हमने रिसेंटली सोशल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उन ख़वातीन को जो इन डिस्पेंसरीज पे आके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी, फ्रॉम प्रेगनेंट कंसेप्शन ऑफ द प्रेगनेंसी से लेकर और डिलीवरी तक, उनकी हम एक कैश ट्रांसफ़र भी करेंगे उनको, जितनी जैसे जैसे इंटरवेंशन होगी हमको कैश ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर जो अगला उसमें प्लस प्रोग्राम है वो ये है कि हम जैसे ही वो बच्चा या 2.5 साल का होगा तो फिर हम उसकी रजिस्ट्री करेंगे ELC, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो प्रोग्राम है, वो जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल है हम उसमें ये ऑप्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पर ये इस तरह के हम कमरे अगर बने हुए हैं तो हम उनको अडॉप्ट करें, नहीं बने हुए हैं तो हम बनाएं उस मॉडल के ऊपर कि हम उसको बच्चों को वहाँ रजिस्टर करें ताकि वो स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात की। हाँ, कि उससे आगे थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ, उससे आगे ये होगा कि वो जो ख़वातीन हैं उसको हम इंटरवेंशन कर रहे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन, वो हम फिर देखेंगे उस प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़ाहिर है जहाँ, उसमें स्किल डेवलपमेंट ये होगी कि आप उन ख़वातीन को हम जो लोकल उनके स्किल, जो इंडिजीनियस उनका जो क्राफ्ट है उसको वो ट्रेनिंग लें उनसे, हम उसके एडल्ट लिटरेसी करवाएं उनकी प्लस, ताकि वो उससे आगे जाकर वो अपना खुद सा रोज़गार भी कर सकें ना। और जो उसमें इससे आगे जो प्लान है वो ये है कि सस्टेनेबल लिविंग का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम उनको, मिसाल जहाँ एग्रीकल्चर जोन एरियाज़ हैं, एरिड एरियाज़ तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें एरिड एग्रीकल्चर की हम उन ख़वातीन को, मिसाल जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं जैसे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, हम उनको वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ए बी हमारा ये प्लान है कि हम उन ख़वातीन को किचन गार्डनिंग की तरबियत दें, उनको वो किट्स भी प्रोवाइड करें सो दैट यू नो अपने वो सब्जियां और ये सारा उगा सकें। वो तीसरा उसमें साथ साथ होगा कि हम उनकी वाटर फैसिलिटी को भी इंश्योर करें कि जो वो इस फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकें, वो थ्रू सबमर्सिबल पंप, ऑल बेस्ड ऑन नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मिसाल सोलर एनर्जी के बेसिस पर, ताकि उसकी ग्रिड के साथ ये कनेक्टिविटी हो, ये मसाइल ना हो। तो दिस इज़ वन मेगा प्रोजेक्ट दैट्स कमिंग अप इन इंशाल्लाह, वी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट जून, वी हैव ऑलरेडी पायलटेड, लाइक कमिंग जून और नेक्स्ट जून, नो दिस जून, दिस ईयर, दिस कमिंग जून, इट्स ऑलरेडी बीइंग अप, एंड हाउ मेनी इयर्स इज गोना टेक टू कंप्लीट? या इट, दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फॉर 5 इयर्स, हमने पहले 5 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं थरपारकर, सुजावल, थट्टा, जामशोरो एंड कंबर शदादपुर, हम इन 5 डिस्ट्रिक्ट में बाय फ्रॉम जून हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स से मुराद कम्युनिटी मिडवाइज हमारे पास उस तरह से ट्रेंड नहीं है, उसी तरह से हमारे पास हेल्थ डेली हेल्थ वर्कर जो हैं वो इस तरह ट्रेंड नहीं है। कोशिश हमारी जो सबसे, फिर ये जैसे आप स्किल डेवलपमेंट के ये सारे जितने प्रोग्राम्स हैं इन सबको साथ, अब ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मिसाल हमने सर्वे किया वेरी रिसेंटली सुजावल और थट्टा का जो कोस्टल बेल्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर कंडीशन में, उसको इम्प्रूव करना है, जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा उस वक्त तक हम ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। तो दिस इज़ ऑल कम्बाइंड एफर्ट, वी ट्राई कि हम उसमें तमाम चीज़ों से थोड़ा बहुत अच्छा प्लान, तो बहुत अच्छा है कासिम साहब, एंड आई होप कि ये इम्प्लीमेंट भी उस पे, कराची के स्लम भी उसी में इंक्लूडेड हैं। जी हाँ, डॉक्टर रुफीना सुमरो, आप बहुत जानी मानी मुस्तनद सर्जन हैं,
और जब ख़वातीन की सर्जरी की बात होती है तो बस जनरली लोग 2-3 सर्जरीज की बात करते हैं, बट आई थिंक के बहुत ज़्यादा और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं. हमारे यहाँ अगर कोई लड़की को कोई प्रॉब्लम होती है तो घर वाले उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर लड़की गैर शादीशुदा हो. तो आपके पास क्या सूरत हाल होती है? बच्चियाँ आती हैं और सर्जरी के नाम से लोग घबराते भी हैं. मिसाल के तौर पे अगर किसी का सर्वाइकल कार्सिनोमा है या यूट्राइन कोई प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट सर्जरी जो आप करती हैं उसके हवाले से प्लीज़ बताएँ और लोगों को एजुकेट भी करें. आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन. मैं ब्रेस्ट सर्जन के तौर पर काम कर रही हूँ यहाँ पर, और आप बिल्कुल सही कर रही हैं कि पहले तो अगर किसी भी बच्ची को या किसी भी खातून को ब्रेस्ट प्रॉब्लम होता है तो वो ख़ुद शर्म हया कि मारे अपने घर के फीमेल मेंबर्स को भी शेयर नहीं करती है, और अगर फीमेल्स को शेयर कर लेती है तो वो फिर बहुत हेजिटेंट होते हैं अपने घर के मेल मेंबर्स के साथ बात करने में. मेल मेंबर्स को भी बहुत टाइम और जुरत चाहिए कि किसी भी घर की फ़ीमेल को अनमोर्स हो अगर वो अनमैरिड है उसको लेके जाएं. और मैंने देखा है फाइब्रोएडिनोमा एक बेज़रर यंग लड़कियों में होता है. 26 साल की लड़की एक साल पहले शादी हुई, उसको बाद में पता चला लंप है, और उसके बाद वो रोती हुई मेरे पास आई कि मेरे शोहर को समझा दे मुझे डिवोर्स हो रही है. मैंने उसकी नंद को बैठ के समझाया, शोहर को बोला मुझसे बात करके जाए, वो नहीं आए. आखिरकार सिर्फ एक बेज़रर ब्रेस्ट लंप के खातिर उस 26 साल की रिसेंटली मैरिड लड़की की डिवोर्स हो गई. और अगर हो गई आपने कहा हो गई. और फाइब्रोएडिनोमा बता देती हूँ, फाइब्रोएडिनोमा एक लंप होता है ब्रेस्ट में जो बेज़रर होता है, बिनाइन नहीं होता है. जो बिनाइन होता है मैलिग्नेंट नहीं होता है, उसको हमको ऑपरेट करने की जरूरत इस जस्ट के हो गया ब्रेस्ट डेवलपमेंट में. लेकिन अगर हमारे पास कोई खातून को पहले ब्रेस्ट वर्ड ही एक टैबू समझा जाता है, जनरली अभी भी लोग समझते हैं कि ये खुदा न खास्ता इस खातून की कोई बदकारी होगी कि उसकी वजह से उसके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ है. और अगर लेकर भी आते हैं, अगर आप सर्जरी की बात करो तो बोलते हैं कैसे करा लें, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है. और अगर किसी अनमैरिड को मैरिड के भी साथ अगर अनमैरिड को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो समझे कि सवाल ही पैदा नहीं होता. एंड मैं आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि जिसमें अनमैरिड खातून की ट्रीटमेंट डिले हुई जस्ट बिकॉज कि शी इज़ अनमैरिड, उसकी शादी नहीं हुई, तो उसका ब्रेस्ट के प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करें. और अगर डायग्नोसिस हो भी जाती है फॉर इस तरीके से आ जाएं, क्योंकि जाहिर इतने ज़्यादा हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के जितनी ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, कॉमनेस्ट कैंसर है ऑल ओवर वर्ल्ड एंड स्पेशली पाकिस्तान में 33% ऑफ ऑल कैंसर्स मेल और फीमेल मिलाओ इस ब्रेस्ट कैंसर. और अगर वो पहले तो सही जगह पे पहुंचते नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स या सेंटर्स तक आते आते उन लेट हो जाते, और अगर आते भी हैं तो बहुत सारा कैंसर सुनते ही इंसान बहुत ज़्यादा कैंसर का वर्ड से खौफज़दा हो जाता है. और उसके पास वो कैंसर बीमारी का खौफ है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर किस्म का स्ट्रेस है उस खातून पे. और अगर वो आ भी जाते हैं, जब उनकी हम डिसीशन मेकिंग की बात करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं, तो हर खातून चाहती है और उसका हक है कि उसकी ब्रेस्ट प्रिजर्व हो, उनका पूरा ब्रेस्ट ना रिमूव करना पड़े. वो तब पॉसिबल है अब जब आप उसको अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर लेकर आएंगे, एंड वो इतना ही सेफ है जितना पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना अगर हम अर्ली स्टेज पे करें. तो जब खातून को शऊर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, और मैं अभी भी आजकल के दौर में मैं समझती हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ के लिए और उस खातून को प्रॉपर डॉक्टर्स तक पहुँचने के लिए अभी वो मर्दों की मोहताज है. उसको आने के लिए वो चाहिए, उसको पैसे चाहिए, अभी भी इतने ज़्यादा पैसे कोई औरत इतना नहीं कमाती कि कैंसर जैसी बीमारी का खुद से इलाज कर सके. तो बहुत सारी वजूहात की बिना पे उसकी ट्रीटमेंट जो कि कैंसर की होनी चाहिए वो अधूरी रह जाती है. और अगर वो आ भी जाते हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर, मैं एक दो मिनट बताना चाहूँगी, ब्रेस्ट प्रिजर्व करने के लिए हम चाहते हैं कि गुठली छोटी हो, और जब हम उसका ट्यूमर निकालें तो लेबॉरेटरी के में भेजते हैं तो उसके मार्जिन्स पे बायोप्सी रिपोर्ट में डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज हम वो दिखाएंगे, निकालेंगे जो इंसानी आंख देखेगी, जो इंसानी हाथ फील करेगी.
माइक्रोस्कोप में जब वो जाता है तो 10-20% लोगों के मार्जिन्स पे डिजीज़ आती है, और हम कहते हैं कि नहीं, इसको लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड दोबारा छोटी सर्जरी करके उसको रीऑपरेट करना पड़ता है और रेडिएशन देना ज़रूरी होती है। जब हम ये बात करना शुरू करते हैं, सब बोलते हैं नहीं दोबारा छोड़ें, बस ब्रेस्ट निकाल दें, और ये चीज़ मर्दों से प्रेशर ज़्यादा आता है कि बार बार ऑपरेशन के चक्कर में ब्रेस्ट निकाल दो, ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने देखा है अगर हम ब्रेस्ट निकाल भी देते हैं तो खातून का जब हम ये काउंसिल कर रहे होते हैं डिसीशन मेकिंग में कि ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन वर्सेस ब्रेस्ट रिमूवल, तो खातून को अपना फ़ैसला बनाने में अक्सर मर्द हजरात डोमिनेट करते हैं। कई तो अक्सर ये कहते हैं पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ब्रेस्ट रिमूव कर दो। और हम ये कहते हैं हम एथिकली ये नहीं कर सकते कि किसी भी इंसान का और मोर सो किसी भी औरत का बॉडी पार्ट निकाल दें बगैर उस खातून का कंसेंट लिए हुए। और अगर हम ये करते हैं और वो खातून मना कर देती है तो वो कहते हैं आपको हमने बोला था, बताने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। बाद में नहीं देखा जा सकता, ये सारे फैसले आपको ऑपरेशन के डिसीजन मेकिंग से पहले करने पड़ते हैं। डॉक्टर रुफीना, यहाँ एक मसला है कि जैसे दुनिया भर में पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में क्लियरली बता दिया जाता है, हमारे यहाँ पेशेंट से ही छुपाते हैं, उसके साथ जो अजीज़ व अकारिब होते हैं उनको बताते हैं, बट पेशेंट हिमसेल्फ डजंट नो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ख़ास तौर से आ जाते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हमारी अम्मा दिल की बहुत कमज़ोर हैं, उनको नहीं बताइएगा उनको कैंसर है। चाहे वो औरत पढ़ी लिखी हो या जाहिल हो, जब वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी के लिए बैठ रही है और उसके कीमोथेरेपी की वजह से बाल जा रहे हैं, तो कितना भी जाहिल हो कुछ तो समझेगा कि मुझे क्या बीमारी है। तो मेरे ख्याल में उनको कंसेंट होना ज़रूरी है। आप उनको इतना इमोशनली साइकोलॉजिकली अपनी डे टू डे इश्यूज़ में उनको सपोर्ट करें इस बीमारी से लड़ने के लिए कि वो इससे मुश्किल मोजी बीमारी से गुजर सके। और हमने देखा है और अपनी प्रैक्टिस में भी और किताबों में स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि जिन खवातीन को अपने घर में घर के मेंबर्स से मोर सो फ्रॉम मेल मेंबर्स और दोस्तों से हर जगह से मुआशरे से सपोर्ट मिलती है, उनके लिए इस बीमारी से लड़ना बहुत आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, बिल्कुल। और जब वो उनका टाइम गुजर जाता है और जब रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो जब मुझे तकलीफ होती थी मैं फरानी दोस्त को, बहन को, माँ को फ़ोन कर दी थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने डिवोर्सेस देखी हैं, बहुत लव मैरिजेस हुई थी, खातून को लेकर आ गए, इतनी मुश्किलों से शादी हुई और अब अगर सर्जरी हो गई तो खातून ने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड दूसरी शादी पे, मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, ये कर दो। दूसरी शादी हो गई, तीसरी शादी हो गई, लेकिन हमने देखी कि वो जो सारी चाहत की शादियाँ थी वो सब डिवोर्सेस में तब्दील हो गई। बिल्कुल डॉक्टर हुजूरा, मुझे प्लीज़ ये बताएं, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है और ज़्यादा जो है वो अगर शादी के 2 साल बाद तक अगर आप नहीं किसी का बच्चा होता तो कहते हैं जी औरत को ही ज़्यादा कसूरवार ठहराते हैं यूजुअली उमूमन, और मर्दों का टेस्ट नहीं होता, हालांकि मर्दों का टेस्ट आसान है औरतों के हिसाब से। ये प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताएं। वेलकम डॉक्टर शेरशाह, के डॉक्टर शेरशाह ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मुल्क के बहुत मायानाइज गायनेकोलॉजिस्ट, तो उस हवाले से आप बताएं, माइक में बोलिएगा प्लीज़। ये इनफर्टिलिटी माइक में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, 18-20% ऑफ कपल आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, और उनमें से 45% कपल्स में जो रीज़न होता है वो मेल इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन हमारे कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उसमें मर्द की इनफर्टिलिटी को छुपाया जाता है, क्योंकि उसको परमिशन है कि एट ए टाइम 2 या 3 शादियाँ करें, और एक से बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी से हो सकता है, और तीसरा कि उनकी खुद लड़कियों की माएँ कहती हैं कि हाँ करने दो, बच्चा नहीं हुआ है, अल्लाह बड़ा है, हो सकता है हो जाए। लेकिन जब आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है और अल्लाह की तरफ से ही हुई है कि पता है कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, तो उनमें अगर 40-45% मेल्स हैं तो उनका पहले इलाज करवाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर क्या होता है कि
मेजॉरिटी में कपल्स जो हैं इवन पढ़े लिखे होते हैं, वेल अफोर्डिंग होते हैं, तब भी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए राज़ी नहीं होते और कहते हैं कि पहले इलाज दो और इन्वेस्टिगेशन बाद में करवाएंगे। तो धक्के पर हमारी जो डॉक्टर साहिबान हैं जो जीपी के तौर पर काम कर रही हैं या इवन अच्छी डॉक्टर्स भी उनके टेस्ट करवाने से पहले ही वो उनकी इलाज शुरू कर देती हैं। धक्के पर पता नहीं कि नुक्स कहाँ है और इलाज किसका हो रहा है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने हेल्थ की, क्योंकि बॉडी जो है और जो खर्चा है वो उस कपल का है और उस पर डॉक्टर्स विदाउट गिविंग अवेयरनेस एंड विदाउट एग्रीमेंट उनके प्रेशर में आकर और वो इलाज ना करें। और जी डॉक्टर से तो इलाज फिर भी, लेकिन ये जो अपने तौर पे जो हो जाता है देसी टोटके वो भी जो है दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर ऑलमोस्ट पढ़े लिखे लोग भी पहले तो स्टार्ट देसी टोटकों से करेंगे, फिर दुआ से करेंगे और जब उन चीज़ों से नहीं होगा तब जाकर एग्री होते हैं कि हाँ अल्लाह ने ये तरीके खलके हैं और फिर आते हैं। लेकिन डे बाय डे अवेयरनेस हो रही है और लोग आ रहे हैं इनफर्टिलिटी का इलाज करने के लिए। जी डॉक्टर हारून ये बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा। ये मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, वो ये कि एक तो आम तौर पर ख़वातीन के मुकाबले में मर्द जो है वो जल्दी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ख़वातीन जो है वो बहुत देर में जाती हैं। वो इसलिए है कि वो उन्हें जो काम करना होता है, काम पर जाना होता है इसलिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में इंग्लैंड में ख़वातीन के लिए अलग अस्पताल है, हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए अलग अस्पताल नहीं है कोई, वो के 50% हैं और उनको बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं। तीसरी बात यह है कि बच्चों के लिए सिर्फ दो अस्पताल हैं, एक यहाँ एक लाहौर में। लेकिन अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आजकल ख़ास तरीके थर में सुसाइड रेट ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए हम लोग गए भी थे और मेंटल हेल्थ के कुछ लोग गए हैं वहाँ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह से बात हुई है। लेकिन इस पर काम करना ज़रूरी है इसलिए कि डिस्ट्रेस की वजह से लोग दे आर पुश्ड इनटू दिस, और इस पर ज़रा गौर करना चाहिए कि कैसे इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल इनफर्टिलिटी के हवाले से मैं आपके माइक में बात कीजिएगा डॉक्टर हुजूरा प्लीज़। कि इनफर्टिलिटी के लिए मेल बहुत कम आते हैं, फीमेल्स पहले आती हैं डायग्नोसिस और इलाज के लिए। वो उसमें भी हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हमारे यहाँ अगर कोई लड़का बता दे कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा और मेरी सीमन में प्रॉब्लम है या मुझ में प्रॉब्लम है तो उसके अपने करीब वाले ही उसके दोस्त जो हैं उनका मजाक उड़ाने लग देंगे, तुम नाम मर्द हो और ये है, तो उस वजह से वो शर्म के मारे नहीं बता पाते। औरत कम से कम अपनी माँ को अपनी दोस्त को किसी न किसी को बता देती है, लेकिन मर्दों के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे पास कई मर्द आते हैं जिनका ओनली रीज़न के बच्चा नहीं हुआ और उसको पता चल गया है कि उसका उसमें ही कोई प्रॉब्लम है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर काम से नुकसान पहुँचने लगता है। बिल्कुल डॉक्टर शेरशाह, थोड़ी सी हम बात करेंगे साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ के हवाले से जो ज़्यादा ख़वातीन में ही होती हैं और जिन ख़वातीन की देर से शादी होती है या नहीं होती है या जो ऐसी सर्जरी से गुजरती हैं जिसमें हिस्टेरेक्टोमी हो गई है या ब्रेस्ट रिमूवल हो गया है, उनमें ये चीज़ें देखने में आती हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएँगे। बहुत शुक्रिया, पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ बहुत देर से आया हूँ, लेकिन ये आपने कैसे कह दिया, हारून साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि साइकोसोमेटिक डिजीज़ ख्वातीन को ज़्यादा होती है, ये मेरी समझ से ज़रा बाहर है। बीमारियां तो मर्द औरतों को दोनों को ही होती हैं, ये अलग बात है कि औरत के किसी छोटे मसले को बहुत बड़ा मसला बना दिया जाता है और पागल मर्द भी यहाँ बहुत बड़ा आदमी कहलाता है और बहुत से पागल घूम रहे हैं ऐसे जो बड़े आदमी कहलाते हैं, आपको पता ही है, बल्कि मुल्क चलाने वालों में शामिल होते हैं वो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि औरतों में साइकोसोमेटिक डिजीज़ ज़्यादा होती है, औरतें डेफिनेटली ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, औरतों पे समाज ने बोझ बहुत सा डाला हुआ है। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि औरतें इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, औरतें इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए तो आती हैं लेकिन बेसिकली वो लड़का पैदा करने के लिए आती हैं,
कितनी औरतें आती हैं उनके 6-7 लड़कियाँ होती हैं लेकिन चली आ रही ट्रीटमेंट के लिए। तो जो समाज का प्रेशर औरतों पर है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं और उसको ज़्यादा हवा बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक औरत को, एक मर्द को दूसरी तीसरी शादी करनी है तो पहला तो यही होता है यार हमारी बीवी पागल है, हम क्या करें, मजबूरी हो गई है, अब शादी तो करनी पड़ेगा। और दूसरे लोग भी कहते हैं हाँ भाई आपकी बीवी तो ज़रा सा आपको टेढ़ी है, आप तो डिजर्व करते हैं, देखें ना आपको तो मज़हब नहीं भी अलाउ किया हुआ है, आप दूसरी शादी कर लें इसीलिए तो अलाउ किया हुआ है। तो ये मसले हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। सर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि साइकोसोमेटिक डिजीज़ औरतों में ज़्यादा होता है। देखिए ये तो रिकॉग्नाइज फैक्ट है कि पर्टिकुलरली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD, सर माइक बिल्कुल ज़रा क्लोज करके बोलिए, ये औरतों में मर्दों के मुकाबले में दुगना होती है। अच्छा, दूसरे ये जो आप आए नहीं थे उससे पहले मैंने ये कहा था कि ख़वातीन उनकी जो बायोलॉजी है, एनाटॉमी है और प्रोक्रिएशन, वो एडिशनल फैक्टर है जो कि उसके बीमारी जो मर्द नहीं सफ़र करते उससे। तो इस तरह ख़वातीन में बीमारियाँ मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हैं लेकिन उनका इलाज मुआलजा कम होता है, इसलिए कि वो उनको दहाड़े पे नहीं जाना पड़ता, कमाने नहीं जाना पड़ता। दूसरे ये कि नौजवान बच्चियों को वो ख़ास तरीके से ज़हनी अमराज हों तो लाने से गुरेज करते हैं, वो कि मालूम होता है कि इसके, बल्कि आजकल अभी तक ये है कि इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगी और शादी करते ही मसला हो जाता है, वो फिर हमारे पास आते हैं। चले ये भी एक बात है, मगर वो जो बाबा और पीरों के चक्कर में चली जाती हैं और जिन चढ़ गए और ये सब जो बातें हैं, ये भी बहुत एक बड़ा नहीं, आप देखें ना कि ज़्यादातर जिन भी औरतों ही पे चढ़ते हैं मतलब ये तो एक सोसाइटी का वो है ना, एक एक, एक बंदा जो घूम रहा है वो ज़रा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो लोग कहते हैं कि यार ये बचपन में बिगड़ गया था, लेकिन सही है ठीक है। लेकिन औरतों को तो फौरन डिक्लेयर कर दिया जाता है ना कि इनको तो इनको को मसला है। पता नहीं मेरा तजुर्बा तो इसी तरह का है क्योंकि मेरी तो सारी मरीज हैं ही औरतें सिवाय 2-3% मर्द के जो आते हैं इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए। तो मुझे तो लगता है कि उनको डिक्लेयर उनको ज़्यादा कर दिया जाता है। फिर समाज का जो प्रेशर है ना बहुत डिफरेंट है औरतों के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर और भी है कि जैसे अंडर एज मैरिजेज हैं या इवन टीन एज की जो मैरिजेज हैं और उसमें फिर अगर लड़की को प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी बॉडी इतनी नहीं स्ट्रांग होती कि वो सारे प्रोसेस से गुजर सके, स्पेशली डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर, उस हवाले से प्लीज़ बताएं हमें डॉक्टर शेरशाह कॉम्प्लिकेशन। सिंध में तो एक अच्छा कानून बना है कि 18 साल की लड़की को शादी की इजाज़त है। कानून अपनी जगह पर है लेकिन कानून पर अमल बहुत कम होता है। 12-13-14 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। हमारे स्कूल ऑफ मिडवाइफरी में बहुत सी लड़कियां इंटीरियर सिंध से आती हैं पढ़ने के लिए जिनकी शादी 12-13 साल में हो चुकी होती है और बड़ी जद्दोजहद करके आती हैं। तो वो कानून बहुत अच्छा था, बनाया गया था। मेरी ख्वाहिश है कि इस कानून पे अमल भी हो और पूरे मुल्क में इस कानून पे अमल होना चाहिए। और सिर्फ टीनेज शादी की बात भी नहीं है, और हमारे देखिए ना जो सबसे बड़ा मसला है मैटरनल डेथ से लेकर के फिस्टुला तक, यानी मैटरनल डेथ से लेकर औरतों की मॉर्बिडिटी तक, सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि उनमें औरतों में ज़्यादा पावर्टी है, औरतों में ज़्यादा इलिटरेसी है। सिर्फ 37% औरतें पाकिस्तान की लड़कियां स्कूल जाती हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती है कि वैसे ही तालीम कम है और ऊपर से औरतें 37% जाती हैं। फिर उनको ही हर चीज़ पे इल्ज़ाम दिया जाता है। अब जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, तालीम औरत को इतना ज़्यादा एम्पावर कर देती है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं बहुत छोटी तालीमी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हूँ। हर साल तकरीबन 200 के करीब मिडवाइफ हमारे पास ट्रेन होकर जाती हैं। ये मिडवाइफ लड़कियाँ आती हैं हमारे पास, उनको बात करनी नहीं आती है, वो आँख उठा के बात नहीं कर सकती हैं, यूँ सर झुका के बात करती हैं। 3 महीने के अंदर उनकी हालत ये हो जाती है कि वो आँख मिला के बात करती हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम अलैकुम बोलती हैं और आपसे सवाल करती हैं। तो वो नज़र आता है कि तालीम इनको कितना पावरफुल बना देता है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी भी हुकूमत को औरतों की सेहत से दिलचस्पी है तो उनको पहला काम ये करना चाहिए कि औरतों की तालीम मर्दों से ज़्यादा कंपलसरी की जाए, उनके लिए ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड की जाएँ, उनके लिए बसें चलाई जाएँ, सब कुछ उनके लिए किया जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लड़की मिडवाइफ बन के जाती है
और उसको PPHI में या किसी जगह पर 18,000-20,000 की नौकरी मिल जाती है, तो वो अपने से छोटे भाई बहनों को ऊपर खींच लेती है। बड़ा भाई तो गुटखा ही खाता रहता है, उसको नहीं संभाल सकती, वो यही कहता है कि तुमने गलत कर दिया, तुम घर से निकल गई, तुम कराची पढ़ने चली गई, लेकिन वो छोटे भाई बहनों को पढ़ा डालती है। तो और हमने दुनिया में यही देखा है, जितने भी ये सोशलिस्ट ममालिक हैं उनमें देखें आपके औरतों की तालीम ने कितना मिरेकल लाया है, लेकिन जिस मुल्क में पूरा समाज औरतों के ख़िलाफ़ हो, मौलवी हजरा से लेकर के बड़े बड़े सियासतदान तक, उनका बस चले तो औरतों को तो हर तरफ कैद करके रखें, तो उसमें औरतों की तालीम कितनी मुश्किल बात है। और कोई भी हुकूमत इस मुल्क से संजीदा है ही नहीं अगर वो औरतों की तालीम पर तवज्जो नहीं देती है। मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता है, औरतों की सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती है। जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट बना था तो मेरा ख्याल था कि भाई हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी ऑब्स्टिकल केयर होना चाहिए, बेसिक ऑब्स्टिकल केयर होना चाहिए, और डॉक्टर होने चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए, सब बकवास है। ज़्यादा तालीम होनी चाहिए, अगर तालीम होगी तो आप ये जो किताबें ना जहाँ औरतों के लिए डॉक्टर ना हो वो पढ़ लेंगी, उसमें से अपना इलाज कर लेंगी। छोटी छोटी किताबें देखें ना, साउथ अमेरिका में इस जितने भी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री हैं वो अच्छे मुल्कों ने उन मुल्कों में ये किताब बड़ी आम कर दी जहाँ औरतों के लिए डॉक्टर ना हो। 80% औरतें अपना इलाज उसी को पढ़ के कर लेती हैं, लेकिन पढ़ें तो सही, पढ़ने के काबिल तो हों, तो ये मसला है। हमारे यहाँ तो ख्वातीन का टैलेंट को सप्रेस किया जाता है, गो के बायोलॉजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर, डेफिनेटली Secondly, that they have more talent if they are given some role to play. Jaisa aapne kaha ki agar taleem thodi si bhi agar it is fact ki 4 jamaat tak jo bacche taleem hasil karte hain unke bacche jo hai zyada sehatmand hote hain. So we'll have a quick round because we just have 5 minutes. Aakhri baat choti si ki auraton se ek badi shikayat bhi mujhe yahi hai ki auratein jo hai na अपने बेटों के लिए लड़ती हैं, अपने भाई के लिए लड़ती हैं, अपने शौहर के लिए लड़ती हैं, अपने बाप के लिए लड़ती हैं, अपने लिए लड़ती हैं, आखिर में आती हैं। और जब आती हैं मार्च, अपने औरत मार्च करने के लिए, तो सारे मर्द अजीब अजीब टेलीविज़न पर आके बकवास शुरू कर देते हैं, ये बाहर निकल आई है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। तो औरतों से ये शिकायत है कि उनको सबसे पहले अपने लिए लड़ना चाहिए, कि हमारा ये काम है, हमारा यह। हम जरा कंक्लूड करेंगे सेशन जल्दी से, विजय साहब 5 मिनट्स। डॉक्टर रुफीना मुझे ये बताएं किस एज में जो है वो मैमोग्राम कराना चाहिए, लड़कियों को क्विकली आप बता दें कि इससे पेशतर कि उन्हें सर्जरी की है किसी चीज़ की जरूरत पड़े। आई थिंक हर एक को अपना एग्जामिनेशन 18 साल से शुरू कर देना चाहिए, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम इतनी नॉलेज नहीं होती, हम देखते इतनी बड़ी बड़ी गुठलियाँ कब पता चली, कल पता चली, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर शुरू में जो है वो इब्तदाई मराइल में पेनलेस होता है तो पता नहीं होता। मैमोग्राम 40 साल के बाद कराना चाहिए, हर 2 साल पे कराना चाहिए और 50 साल के बाद सालाना कराना चाहिए। अपने आप को देखें और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैं तो जहाँ भी अवेयरनेस टॉक के लिए जाती हूँ मैं मर्दों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अटेंड करें ताकि अपने घर के ख़वातीन को कुछ शऊर दें, और अगर कोई शको शुबा थोड़ा सा भी हो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें ताकि जितना जल्दी इसको डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी इसको ट्रीट कर सकेंगे। कासिम सुमरा साहब, मैं आप पे वाइंड अप करूंगी लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर हुजूरा से थोड़ी सी बात करूंगी। डॉक्टर हुजूरा, मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी तो आपने 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही की थी। एक आपने कहा था कि हमारी लड़कियों पर जो बाहर जॉब करती हैं, ये जो पढ़ने जाती हैं, तो उन पर एक प्रेशर भी होता है और अक्सर वो ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं और फिर उनसे कुछ ऐसे गलतियां सरजद हो जाती हैं कि जिनकी पादाश वो उम्र भर भुगतती रहती हैं। वो थोड़ा सा बताएं लड़कियां अपने आप को कैसे सेव करें और इस माशरे से कैसे बचें। असल में माइक में बोलिएगा प्लीज़। लड़कियां आजकल रिलेटिव एजुकेशन बढ़ी है और हमारी बच्चियाँ बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन उनके भी अपने प्रेशर्स होते हैं। आजकल इंटरनेट का और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माहौल आ गया है, तो जो लड़कियां कॉलेज या स्कूल जाती हैं तो लड़के उनको इंटरनेट पर मैसेजेस करके और ब्लैकमेल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स का काम होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखें और उनको सिर्फ अपनी बेटी ना समझें। मैं एज अ क्लिनिशियन मैंने कई केसेस देखे हैं जिनमें होता क्या है कि लड़की के साथ अगर कोई लड़का फ्लर्ट कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो वो डर के मारे अपने घर में अपनी माँ या किसी को नहीं बता सकती कि मैं हो सकता है बताऊँ तो मेरी एजुकेशन ही बंद कर दें, तो फिर वो उनके हाथों में ब्लैकमेल होती रहती है। और इस तरह से यहाँ तक होता है कि कई लड़कियाँ तो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अबॉर्शन कराती हैं, जैसे अभी रिसेंटली उसमें भी ये आया था कि
अखबार में कि पंजाब में एक लड़की थी, वो एजुकेशन की फीस लेकर चली गई और उसकी डेड बॉडी मिली थी। और ये डेड बॉडी जो मिल रही हैं तो वो उनमें एक हिस्सा अनवांटेड प्रेगनेंसी का और उनके अबॉर्शंस का है। इवन तो हम मुस्लिम हैं लेकिन हमारे इस मुल्क में भी ये चीज़ें हो रही हैं जो अंडर कवर हैं और नज़र नहीं आती हैं। तो इस जगह पर पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को सिर्फ पैसे या एजुकेशन की परमिशन ना, लेकिन उसको फ्रेंड समझकर उनका हमदर्द बने और उनको सपोर्ट करें, तो जो मसले हो रहे हैं वो उनको आकर बताएं। ठीक है, लास्टली कासिम सुमरो साहब, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और हमारा टाइम भी अब ख़त्म हो गया, जल्दी से बता दें कि कोविड की वैक्सीन जो आ रही है ये सेफ़ है, लगवा ले ख़वातीन बच्चे ख़ासतौर पर। जी बिल्कुल सेफ़ है, अभी तक तो हमें एज सच कोई इस तरह की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बल्कि मैं तो आई वुड लाइक कि आपके इसके, आपने चूंकि मास्क लगाया तो आपको थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा ताकि माइक पे आपकी आवाज़ जाए। आपके इस प्रोग्राम के तवसत से मैं तो सब तमाम पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, और जब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम इसी प्रॉब्लम में रहेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी वो हम अचीव नहीं करेंगे, और जब तक वो हम अचीव नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल जो है ना वो ये जो एंग्जाइटी और ये टेंशन ये जो कोविड की वजह से है ना वो और चलते रहेंगे। और अब जाहिर है जब तक हम फिर प्लस हम उस केयर में तो हैं नहीं ना कि हम मास्क पूरी तरीके से पहने, हम हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने जो अभी तक कैंपेन डॉक्टर्स के लिए लगाई उसमें डॉक्टर्स भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, सो आई प्लीड टू एवरीबॉडी प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। आप लगाएंगे सोसाइटी के और जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन आ रही हैं, तो होप है कि हम सब जो है वो इस तरह टेंडेंसी की तरफ आएँ, तो हम अपने आप को भी सेफ करें और अपने मुल्क को भी, अपने माशरे को भी, फैमिली को भी। थैंक यू सो मच, और इसके साथ ही अपना सेशन कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शेरशाह सैयद, डॉक्टर रुफीना सुमरो, जनाब कासिम सुमरो साहब, डॉक्टर हारून अहमद साहब, डॉक्टर हजूरा शेख साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारा सेशन बहुत सारी बातें हैं और आई एम सॉरी मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले सकी, मुझे बार बार पर्ची आ रही कि हमारा टाइम अप हो गया। तो अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली कर लें प्लीज। ओनली 2% हैव गॉट द वैक्सीनेशन, सो द WHO इज सेइंग दैट मास्क इज वैक्सीन, सोशल डिस्टेंस एंड द हैंड वॉशिंग, आई मीन एज फार एज द डॉक्टर्स आर कंसर्न, बिलीव मी डॉक्टर्स आर द वर्स्ट human beings when it comes to the patient. They don't do what they are supposed to do. They don't hand wash. You go and see the hospitals, because in public health there are three things: clean water, nutrition and hygiene. You implement Pakistan ke aadhe doctor lehari mein rehna shuru kar denge. Main America mein rahun kyunki ye sab kamate hi diarrhea aur typhoid aur dengue se, aur ye haath na dhone se, mask na pehenne se. Jaise doctor Sher Shah baatein kar rahe the, inse zara poochiye ki kis hospital mein safai hoti. Acha, aur koi question hai kisi ka? जल्दी से जी जी क्विकली, हाँ बिकॉज टाइम इज अप। अनमैरिड वुमेन के लिए अबॉर्शंस के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि यू नो हाउ दे कैन सीक नॉन जजमेंटल गायनाकोलॉजिस्ट फॉर अबॉर्शंस एंड व्हाट हाउ मच पावर डज अ अनमैरिड वुमन हैव टू सीक अबॉर्शन एज अ और भी कोई सवाल है तो बता दें क्विकली, फिर एक साथ जवाब ले लेंगे हम। जी ये मेरा एक सवाल है इसका कीमो के हवाले से डॉक्टर रफीना सुमरो से, कि ये जो कीमो है इसका जो मतलब लोग लगवाते हैं, ये आलिया मेरे साथ ऐसे कुछ चल रहा है तो बहुत खौफ होता है, तो कीमो के हवाले से पूछना है कितनी देर में स्टार्ट करनी चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है, क्या शुरू? ओके ऑलराइट, आप सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग। ओके आई हैव क्वेश्चन क्विकली प्लीज। मेरा क्वेश्चन सर सुमरो साहब से है। सर सुमरो साहब डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का एक बड़ा नुमाइंदा है, मशहूर नुमाइंदा है। मैं भी डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से बिलोंग रखता हूँ, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो सर एक मैटर पे बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे वाटर पे, जो लगाए हैं, जो आरओ प्लांट लगाए हैं। आरओ प्लांट एक मशीनगिरी है, वहाँ पर जो सोलर सिस्टम पर चलते हैं। मशीनगिरी आपको पता है किसी भी वक्त बंद हो सकती है। थरपारकर का मेन इशू है वो पानी है, सही है। और पाकिस्तान के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को इक्वल राइट दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान जो सिंध
पूरा सिंध प्रोविंस मेरा जो क्वेश्चन ये है कि सिंध प्रोविंस जो इंडस रिवर का पानी पी रहा है, क्या हमारा राइट नहीं है? क्या हमने उस रिवर का पानी नहीं पी सकती है? मशीन गिरी है अर्जेंट में, अगर खुदा ने कहा तो कोई ऐसा वाकया हो जाए, आग भड़क उठे किसी गांव में, वहां पे उस गांव का आरओ प्लांट काम नहीं कर रहा हो, तो अर्जेंट में हम कैसे वहां के उसको प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं? ओके ओके। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो हु वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? जी आथर का आप जवाब देते। थैंक यू। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे दिल की आवाज़ है, और इस पर जो मैं तो इस पर आप अगर आप इस पर फर्दर डिटेल में अलग से कोई प्रोग्राम रखना चाहें तो इट विल बी ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट थरपारकर। और इस पर वाटर पॉलिसी के ऊपर मैं आपसे एक घंटे डिबेट कर सकता हूँ कि उसमें हमने क्या किया और क्या करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। मैंने ये काम पर्सनली 2003 में शुरू किया, व्हेन आई वाज वर्किंग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और हमने उसमें मैंने पूरे थर की वाटर पॉलिसी बनाई थी और उसमें क्या होना चाहिए था। और मेरी पॉलिसी में आरओ प्लांट्स नहीं थे, इट वाज इंटेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये इंटेंट लिया, उनकी इंटेंट अच्छी थी कि चलो पानी के मसले को किसी न किसी हल वे हल होना चाहिए। लेकिन मेरी सजेशन में ये था कि रिवर इंडस का जितना पानी है उसको हम दो तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्टोर करें और फिर उनको वाटर सप्लाई नेटवर्क के थ्रू हर गाँव में पहुँचाएँ। और अल्लाह का शुक्र ये है कि 2004 से लेकर अब तक वी आर ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन पॉपुलेशन थरपारकर की है, उसमें वाटर सप्लाई नेटवर्क ऑलमोस्ट 850,000 लोगों को वाटर सप्लाई नेटवर्क के थ्रू रोज़ाना पानी मिलता है। ये एक ये इशू, लेकिन अभी ये सफ़र बहुत लंबा है और उसके लिए जो है वो हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए। और जाहिर है जब तक सरकार के पास वहाँ पर आबादी बहुत स्केटर्ड है, छोटे छोटे गांव हर एक टीले पे बने हुए हैं, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ वाटर सप्लाई नेटवर्क टू एवरी अदर टाउन। बट वी हैव सर्टेन यू नो वी हैव मेड अ पॉलिसी दैट एवरी हाउस और एवरी विलेज इज है देर आर नंबर 25 to 30 हाउस होल्ड्स जहाँ पर हैं, तो उनको हमने वाटर सप्लाई नेटवर्क में शामिल किया है। बट ये सफ़र बहुत कठिन है और बहुत लंबा है। यस आई एग्री विद दिस जेंटलमैन के वो आरओ प्लांट्स बड़ी हद तक जो हैं वो काम नहीं करते। आई थिंक वो जी मैं वो जो है ना आप ओवर द कप ऑफ टी कर लेंगे। आप क्विकली मुझे बता दें रेडिएशन वाला और अनवांटेड प्रेगनेंसी। आई थिंक जो आप पूछ रहे थे कि कैंसर का इलाज के लिए कीमोथेरेपी, किसी भी कैंसर का इलाज सिर्फ एक तरीके से नहीं करते, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स उनको सर्जरी चाहिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टैबलेट्स जो भी चाहिए। यस कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आजकल बहुत दवाएं आ गई हैं कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत का फैसला करते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए दवाएँ दी जाएंगी, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए। Okay, so Dr. Huzur, you want to take that question? Unwanted pregnancies, जो है unmarried में हों या married में, दोनों जो है हमारे पाकिस्तान में जो है उन पर बैन है इस्लामिक कंट्री के हिसाब से कि उनको टर्मिनेट करना। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है तो हम लोग सिर्फ एंड जो है टर्मिनेशन पर क्यों जा रहे हैं, पहले ही हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपने इर्द गिर्द जो भी बच्चियाँ हैं उनको अवेयर करें, एजुकेट करें, तो हाउ टू लिव इन दिस कंट्री, हाउ टू लिव एंड कोप विद द मेल्स ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग एजुकेशन, और अपना आफ्टर ऑल इन अनवांटेड प्रेगनेंसीज की जो परकशंस आती हैं वो फीमेल पर ही आ रही हैं। वो प्रोसीजर करवाते मर जाती हैं, ऐसे ही अनट्रेंड अनस्किल्ड दाइयों से जाकर करवाती हैं तो उनको इन्फेक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में इनफर्टिलिटी फॉरएवर हो सकती है। और उसके लिए ये हल हमें नहीं निकालना चाहिए कि कैसे अबार्शन करें, लेकिन अगर वो हो रही हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करके स्किल्ड डॉक्टर्स के पास जाएं कि जैसे उनकी हेल्थ और मॉर्बिडिटी को जो वहाँ से नुकसान होता है कम से कम उनसे बचा जाए। और ये एक खुद औरत पर पूरी लाइफ के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि मेरा जो बच्चा हुआ था वो अनवांटेड था, या इवन ऐसे भी होता है कि वांटेड होते हैं लेकिन ड्यू टू कल्चर दे डोंट वांट टू गिव बर्थ टू देम। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।